Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalaya, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन कचहरी रोड अजमेर सलोन जो आपको देता है स्टाइल। स्मार्ट सिटी के तहत जो एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण हो रहा है इसमें नियमों की तो धज्जियां उड़ी रही हैं, न तो प्रशासन सुन रहा है न नगर निगम सक्रिय हो रहा है। व्यापारी और आम नागरिक इतना त्रस्त हो चुका है, एक तरफ तो व्यापार चौपट हो चुका है। अभी आपके मीडिया के माध्यम के द्वारा हमारी तकलीफों को जो उजागर कर रहे हैं, आपने कवरेज किया है। ट्रैफिक की दुर्दशा देखिए, इनका सीवरेज पाइपलाइन का कोई सिस्टम टाउन प्लानिंग के अंदर नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ ये खोद रहे हैं और जो पानी बह के जो आ रहा है, दुकानों के आगे कीचड़ मलबा इकट्ठा हो गया है। ग्राहक कहाँ से वहाँ प्रवेश करेगा, गाड़ी निकलने की जगह नहीं रखी है। हमने निगम प्रशासन को पहले भी चेताया, वो कहते हैं कि जो ठेकेदार है और सिम्पोसिस को जिनने हमने ठेका दे रखा है एलिवेटेड निर्माण का, उनके वॉलेंटियर आपकी मदद करेंगे, सफाई करेंगे, पेच वर्क करेंगे और ट्रैफिक को सुचारू करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। यातायात विभाग को टटोला, उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए। नगर निगम के पास गए, वो कहे हमारे कर्मचारी तो केवल रोड की सफाई करने के लिए हैं, धूल मिट्टी के लिए जो सिम्फोनी कंपनी है वो जिम्मेदार है। तो व्यापारी एकदम ठगासा महसूस कर रहा है। इस स्थिति में व्यापारी करेगा क्या? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप किस आधार पर जनता से वोट मांगते हैं? जनता आपको ये तकलीफें सहन करने के लिए चुन के लेके आती है। आप अपनी एसी कारों में निकल जाते हैं, आपके सस्पेंशन लगे हुए हैं, आपको झटका नहीं आता है। आप इतने बड़े जनप्रतिनिधि थे, इस रोड पर पैदल चल के दिखाइए, एक थड़ी लगा के एक दुकान पर चार घंटे बैठ के दिखाइए कि व्यापारी ठगासा हुआ बैठा है, ग्राहक नहीं आ रहा है, अपने पॉकेट मनी से कितना चलाएगा। अभी अभी मैं कम से कम इस रोड के ऊपर 10 दुकानें ऐसी हैं जो किराए पर थी वो बंद हो गई। कमाएगा जब भी तो किराया चुकाएगा। काम कैसे चल रहा है? काम आप ये समझो कि इनकी मनमानी से चल रहा है। जहाँ चाहे ये खड्डा कर रहे हैं, जहाँ चाहे इनके निगम के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं कि व्यापारी तो बेवकूफ़ है। पानी का रेला बह रहा है, ये बताओ। पानी की सीवरेज की लाइन शाम को खुलती है यहाँ पे, आप शाम को आके देखें कि कितना रोड गंदा हो जाता है, कीचड़ खादे से भरा हुआ है। नाम आपके नाम? जमीन ढह गई है, जगह जगह सड़क धस गई है बॉस, और प्रशासन इसकी तरफ नहीं कर रही है। नाम मेरा बालेश गोयल है, स्टेशन रोड व्यापारिक संघ अध्यक्ष बालेश गोयल। ये यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है, ये जब से ये ब्रिज का काम चल रहा है और रोड में ये पूरा पानी पानी हो गया, और जो दो चार मेरे सामने लेडीज़ भी गिर चुकी है, गाड़ियों में जा रहे थे फिसल के गिर गए, सीमेंट से और बजरी के मलबे से नीचे दो तीन बार उठाना पड़ा जा जा के पकड़ के। और यहाँ पर सामने मस्जिद भी है और सामने नमाज़ पढ़ने वाले को आने जाने की दिक्कत हो रही है, रोड में गाड़ी चलने की दिक्कत हो रही है, पब्लिक की बहुत परेशानी हो रही है आने जाने की, पानी पानी हो रहा है पूरे रोड में, और आज जुम्मा भी है और नमाजी को नमाज पढ़ने की बहुत दिक्कत है, और अंदर आते हैं बहुत परेशानी से, जूते खोल खोल के आते हैं लेकिन नापाक हो जाते हैं, गिरा के। और पहली बात यह है कि हमारे होटल का धंधा खराब हो चुका है, बहुत तकलीफ़ है, और पूरे पूरे दिन ऐसे खाली खाली होटल बैठे रहते हैं और हम लोग को भी मुश्किल बहुत हो रही है। किस जगह आप? ये सामने मदीना होटल है और रेलवे स्टेशन घंटाघर मस्जिद के सामने। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। यार जब से काम चल रहा है जब से हालत ख़राब हो गई है दुकानों की, बिल्कुल ना गिराकी है ना कुछ है, परेशान हो गए हैं, इसलिए ये एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं, फिर बहुत पानी भर रखा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, करीब 15-16 दिन हो गए, बहुत दिक्कत आने लग गई है। आपका जुम्मा नमाज में? जुम्मे के दिन ऐसी हालत हो जाती कि नमाजी आधे तो नापाक ही हो जाते हैं, दिक्कत होती है नहाने धोने में और फिर अंदर दिक्कत आती है। का पानी है ये, पानी सब गंदा पानी, अभी मत बोलो जी हाँ, ये सब गंदा पानी, नाले का गंदा पानी है, ये अंदर से नाला जाम है तो पानी निकल नहीं पाता है। ये सब नाले का पानी है, बाथरूम वगैरह, ये रेलवे स्टेशन के सामने मस्जिद है, घंटाघर मस्जिद, मस्जिद घंटाघर। दुकानदारों को भी परेशानी हो रही है, सबको हो रही है, बहुत परेशानी है, इसलिए बदबू है, फिर बहुत परेशानी है। मेरा नाम जीशान अली है।